तो पहले वाले एपिसोड में हम लोगों ने एक पूरा अंडरग्राउंड ड्रग फार्म तैयार किया था। वो ड्रग फार्म से हमें ड्रग मिलेगा एंड उसे बेचना था। बट लास्ट वाले एपिसोड के बाद मैंने कुछ उस पे एक्सपेरिमेंट किए थे जिससे हमें पता चल सकता है कि ये कितना ज्यादा ड्रग एक या दो घंटे में बना सकता है या फिर इससे कितना ज्यादा ड्रग फार्म होगा। वो सब करने के बाद मुझे पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि इतना बड़ा बनाया लेकिन फिर भी उसमें हमने कुछ दिक्कतें की थी। उसके बाद मैंने यहाँ से सिटी में गया, वहां से मेरे दोस्त को पूछा, यहाँ पर आया एंड फिर मुझे पता चला कि हमारा ड्रग फार्म एक गलत तरीके से लगा है। उसके बीज जो थे वो कंप्लीट थे बट जो हमारे जो उसे बनाया था ना एक टाइप से वो थोड़ा गलत था क्योंकि उसको पानी की जरूरत नहीं होती। तो उस तरह से फिर मैंने उसे पूरा नया बनाया। तो चलो अब उसे देख लेते हैं एंड उसके बाद जाना है हमें इसकी सप्लाई करने जहाँ पर यहाँ से दूसरे जो सिटीज होते हैं या फिर दूसरे जो देश होते हैं उसमें सारा जो ड्रग होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत लाइसेंस वो सब चाहिए लेकिन मेरे पास है नहीं। तो मेरे दोस्त ने कहा था कि मैं वहाँ पर कॉल करके जुगाड़ लगा दूंगा, आप वहाँ से बेफिक्र जा सकते हो। और ये कहाँ चल रहा है भाई यार। हाँ, सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से मैंने उसे तैयार किया है। बहुत ज़्यादा टाइम लगा भाई उसे तैयार करने में क्योंकि वैसे तो इजी है और उसका थोड़ा बहुत ड्रग बन भी चुका है। उसमें से मैंने थोड़ा बहुत देखा था लेकिन वो रॉ मटेरियल होता है, पूरा उसे बनाने में थोड़ा और मटेरियल चाहिए होता है, ऐसा कुछ होता है। देखो तो यहाँ से सिंपल सीढ़ी है, यहाँ से उतरो एंड ये रहा पूरा फार्म। देखो किस तरह से मैंने डिजाइन किया। यहाँ पर मैंने नॉर्मल ब्लॉक लगाए, उसके ऊपर यहाँ पर मैंने कुछ रेड पट्टियाँ डाल दिए ताकि थोड़ी लुक खतरनाक आए पूरा गांजा फार्म का। देखो इसमें गलत क्या था कि ये दो लेयर के बीच में पानी था, वो पानी नहीं होना चाहिए, इस तरह से पॉट होना चाहिए जिसमें ये गांजा फार्म यानी कि ड्रग फार्म काम करता है। थोड़ा बहुत मुश्किल था बट इतना ज्यादा नहीं, देखने में काफी सही लग रहा है। लेकिन अब मैं आपको एक मेन चीज दिखाता हूँ कि इसके पीछे कितना ज्यादा ड्रग इसमें से बनता है। चलो यहाँ पर मैंने एक चेस्ट रखी है जिसमें इसमें से निकला हुआ सारा मटेरियल यानी कि 24 आवर का पूरा ड्रग इसमें मैंने इकट्ठा करके रखा है। चलो दिखाता हूँ, ये देखो इतना ड्रग अभी इकट्ठा हो चुका है एंड इतना ड्रग को हमें ट्रांसपोर्ट करना है एक सीप के दौरान दूसरे सिटी में एंड वहां से डायरेक्टली हमको पैसे मिल जाएंगे। पैसों की तो छोड़ो, मुझे पहले घर बदलना है भाई, वहां पर जाना पड़ता है बाथरूम करने के लिए। लेकिन गलत चीन भाई, अगर पहले इतने ज्यादा पैसे आए तो पहला काम होगा घर बनाना, लेकिन उससे पहले एक गाड़ी को थोड़ा मॉडिफाई करना है। अगर मैं इसमें ड्रग ऐसे ही ले जाऊंगा तो लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं रखूंगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये मटेरियल कुछ तो गलत चीज हो रहा है। इसलिए मुझे अंडरग्राउंड इसके अंदर एक देना है, चेस्ट को एक लगा देना है जिससे उसमें मैं पूरा ड्रग को ले जा सकूं, उसमें पूरा ड्रग भर के मैं ले जा सकूंगा। तो पहले ड्रग लेते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज की तगड़ी जर्नी। मैं वैसे 64 लेने वाला हूँ क्योंकि मैंने 68 टोटल ले ली है। इसको लेकर सबसे पहले जाऊंगा मैं इसको बेचने क्योंकि थोड़ा खतरनाक मटेरियल है, अगर एक बार भी हाथ में आ गए ना किसी के तो फिर पता ही है क्या होगा। ये देखो मेरा दुश्मन का ट्रैक्टर खड़ा है यहाँ पर, वैसे दुश्मन नहीं है वो मेरा क्योंकि मैं उसे जानता नहीं हूँ लेकिन आया से तब से ऐसे ही मुंह करके बैठा है तो दुश्मन समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ से रात होने को आई है, अब रात को शिपिंग तो मैंने करना चाहता था लेकिन चलो अगर टाइम रहा तो आज ही शिप कर देंगे और अगर नहीं रहा तो उसको कल शिप कर देंगे क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर पहुँचेगा सुबह एंड सुबह सबसे ज़्यादा चेकिंग होती है कि कहाँ से क्या मटेरियल, रात को वैसे होता है लेकिन अगर दिन में हम उसे देख कर आएंगे तो रात को निकलेगा एंड रात को निकलेगा तो आपको पता है कि रात को इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता तो चेकिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। अभी मुझे ढूंढना है यहाँ का समुद्री इलाका जहाँ पर सारी शिप आकर रुकती है एंड मैंने ढूंढ लिया भाई। ओके तो ये है सारी की सारी शिप जिस पर अभी तो कोई नहीं रहा। तो मुझे यहाँ पर कहीं पर पार्किंग लगानी पड़ेगी, ये रही पार्किंग। चलो पार्किंग लगा के सारा का सारा मटेरियल दूसरे देश भेजने का काम स्टार्ट होगा। काफी ज्यादा मजा आएगा। देखो अगर ड्रग फार्म से इतना ज्यादा पैसे आए तो भाई मैं पूरी खुद की एक शिप ले लूंगा ताकि कभी भी कोई भी दिक्कत ना आए हमें। बट अभी यहाँ पर कोई है नहीं, इसका मतलब है कि सुबह ये सब जाएगा। तो अगर सुबह ये सारा गया कल रात को पहुंचेगा एंड रात को कम चेकिंग होती है तो मैं मुझे रखना वही मैं पहले जान लेता हूँ। सो गाइस आपको जो पीछे सीप दिख रही है उसमें सारा सारा ड्रग मैंने डाल दिया है एंड वो फाइनल वही जाने वाले है एंड आज रात के 3 बजे वो यहाँ से निकलेगी। अभी वो जो ड्राइवर था उसने बोला कि मैं अभी घर आया हूँ, थोड़ी देर के बाद वो निकलेगा एंड डायरेक्टली पहुंचेगा उस फार्म पर।
लेकिन उससे पहले अगर कुछ भी हुआ तो मेरा इतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि भाई बहुत सारे 64 मतलब उसके मान लो 64 एमरल्ड आ ही जाएंगे, मतलब एक का एक एमरल्ड होगा, एंड एमरल्ड की प्राइस सबसे ज्यादा है इस सिटी में। लेट्स गो, अभी मैं घर पहुंचने वाला हूं, क्योंकि घर जाके सो जाइए एंड सुबह देखिएगा कि पेमेंट का क्या हुआ है। उसके बाद जाना है मुझे अपने पेट्रोल पंप पर, वहां से भी कुछ पैसे उठाने हैं एंड वहां पर एक कॉल करना है जिससे हमारा फ्यूल फिर से आ जाए एंड फिर से वो पेट्रोल पंप स्टार्ट हो जाए। पता नहीं कितने दिनों से मन पड़ा है, वहां पर कोई ना आ रहा है ना कोई जा रहा है, ना फ्यूल आ रहा है ना कुछ भी हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चल रही है अभी इस सिटी में। एंड मैं यहाँ से रोंग वे घुस चुका हूँ, तो मुझे रिवर्स लेकर फिर से वो रास्ता पकड़ना पड़ेगा। क्या मुसीबत है यार, एक तो यहाँ पर इतना ज़्यादा फोग आ चुका है कि मुझे आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा। ओह भाई, मैं फिर से वही जगह पर आ चुका हूँ। वाह भाई, यहाँ पर हॉस्पिटल बन चुके है, एम्बुलेंस खड़ी है। भाई बहुत ज़्यादा महंगी सिटी है जिसमें हम काम कर रहे हैं, और अगर इसमें पकड़े गए तो मेरी जॉब तो गई, पेट्रोल पंप गया, घर गया, खुद मैं भी गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, मैं खुद एक पुलिस मैन हूँ तो मुझे जानना पड़ेगा। और हाँ यार, मुझे अभी ये याद आया है कि कल हमें पुलिस स्टेशन पे जाना है। कल उस सर का फोन आया एंड उसने बोला कि आपको कल आना पड़ेगा। एक तो भाई यहाँ के इतने तगड़े रास्ते हैं ना कि भूल ही जाता हूँ। फाइनली उस नल्ले के गैरेज से निकल रहे है। गाइज, मैं अभी एक बात सोच रहा हूँ कि यह गाड़ी से इतना ज़्यादा ड्रग्स की सप्लाई नहीं हो पाती है, क्योंकि एक तो गाड़ी छोटी पड़ेगी, उससे अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि एक वैन या फिर एक बस ली जाए जिसमें सारा मटेरियल इकट्ठा करके एक साथ दे जाए। लेकिन एक साथ देने में भी एक दिक्कत है कि अगर वो बस को पकड़ लिया तो पूरा मटेरियल चला जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं दे रहा हूँ ना, 64 या 64, इससे इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती क्योंकि इतना ले जाएगी तो हमें कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर पूरा का पूरा उसने अगर उठा लिया या बस को पकड़ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन देखते हैं, कल सुबह जा रहेंगे और देखेंगे कि बस का क्या करना है, या फिर नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अभी के लिए घर जाके सो जाते हैं। गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे एंड काफी ज्यादा प्यारी सुबह के साथ हम उठ चुके हैं। और क्या होगा, वो रात को कल 3 बजे निकल गई होगी सिप या नहीं। और इससे पहले एक बात बता देता हूँ कि कल रात को आकर सीधा मैंने यहाँ पर ठोक दी थी। ये कोई लेटेस्ट न्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं कि गाड़ी में इतनी तगड़ी तरह से ठुक गई है। कोई बात नहीं, अब इतना ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो गाड़ी तो फिर से नहीं लूँगा, लेकिन इस बार ऐसी नहीं है, लग्जरियस गाड़ी लेने का सोच रहा हूँ। इसको तो मैं रखूँगा है, क्योंकि ये वैसे भी काम आती है बोट टाइप से, लेकिन यहाँ पर इसको फर्स्ट करने का कोई सेंस बनता है इस बात का? यहाँ पर पूरी घुस चुकी है भाई। चलो गाइस, निकल चुके हैं फाइनली, कितनी ज़्यादा मेहनत के बाद इस तरह से फंस गई थी। लेट्स गो, तो निकलते हैं सीधा फार्म के लिए जो कि घर के पीछे ही है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे सही चीज़ है। देखो, अगर कोई रेट भी पड़ती है तो ऐसे थोड़ी ना ढूंढ पाएंगे कि यहाँ पर फार्म है। भाई पूरा सूखा के रखा है मैंने। चलो नीचे चलते हैं एंड देखते हैं कितना ज़्यादा गांजा इसमें से कलेक्ट हो चुका है। अभी ये छोटे छोटे है, बट अगर जब ये इतने बड़े हो जाएंगे उसके बाद इससे 3 गुना ज़्यादा ये जो है इसका रॉ मटेरियल देंगे, यानी कि ड्रग्स देंगे। और अभी तो वैसे थोड़े बहुत ही है, इसकी सप्लाई मैं बाद में करूंगा, पहले वो शिप को पहुंच जाने दो, वहां पर शेकिंग होने का पूरा चांस है। और अगर वो शेकिंग हुआ तो उतना तो जाएगा और दूसरा मैं भेजूंगा वो भी जाएगा। उससे पहले हम उसे पहुंच जाने देते हैं, पेमेंट पूरा ले लेते हैं एंड उसके बाद थोड़ा बहुत और ज़्यादा स्टॉक को हम उसको भेजेंगे। उससे पहले हम लोग पेट्रोल पंप पर जाके आते हैं। भाई ये सब 3 दिनों से यहाँ पर ये पड़ा है, पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं। चलो, हमेशा की तरह यहाँ पर कभी भी फ्यूल नहीं होता है। अरे गाइस, ये देखो, इसकी मैं बात कर रहा था। ये अगर ये बस ले लूँ मैं, इसमें इतना सारा मटेरियल आ जाएगा एंड साथ ही साथ काम भी बहुत ज़्यादा आएगी। क्यों ना हम इसको स्कूल में बाद में स्टार्ट कर देंगे, रात को गांजे की सप्लाई और सुबह बच्चों की सप्लाई इस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं करना मुझे, मुझे सिर्फ इसे गांजे पर ही ट्राई करना है। ओ भाई, क्या बाइक है यार, ब्लैक कलर की पूरे के पूरी। भाई मुझे अब ऐसा हो रहा है कि मुझे भी लेनी चाहिए एक बाइक। भाई मैं क्या क्या लूंगा यार, कभी बस लेने का मौका, कभी बस लेने मन होता है, कभी कोरो और कुछ, और कभी और कुछ। उससे पहले मैं उस पेट्रोल पंप का कुछ सोचता हूँ ताकि यहाँ पर पेट्रोल आ जाए एंड सब लोग थोड़ा बहुत तो पैसे आने शुरू हो जाएंगे। गाइज, अभी मेरे वो जो बंदा आता था यहाँ पर, हमने जिसको हायर कर रखा था, उससे बात हुई है एंड उसने बताया कि यहाँ तो छोड़ो,
पूरे के पूरे टाउन सिटी में एक भी पेट्रोल पंप पर 0% फ्यूल है, 1% भी फ्यूल नहीं है। तो वो कह रहा है कि जो बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बाहर जो सप्लाई होती है वो बोट्स में, वो बोट ही पूरी डूब चुकी है। मतलब हमारी नहीं हुई है, हमारा जो ड्रग गया है वो गया है, लेकिन वहाँ से जो फ्यूल आता है वो डूब चुकी है। तो ये बहुत बुरी खबर है भाई, उसमें 3-4 बंदों की मौत हो चुकी है। क्या करें, बट मर गए तो मर गए भाई, क्या कर सकते। तो पेट्रोल पंप का तो काम कुछ भी नहीं होगा, उससे अच्छा मैं जाकर उस बस का पता करता हूँ भाई। अगर बस वो आ गई तो उसमें से कितने तरीक़ों से उसका यूज़ हो सकता है। पहले तो बसों को छोड़ने, या फिर एम्बुलेंस यूज़ कर सकते हैं स्कूल पर, या किसी और जगह पर अगर किसी को जाना है तो वहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, गांजे की सप्लाई कर सकते हैं। एंड उससे और क्या चाहिए भाई, इतनी चीज़ें तो गाइज ये देखो, ये यहाँ का सबसे फेमस मेला है, लेकिन अभी तक मैं इसके अंदर गया ही नहीं हूँ। एक दिन पूरा का पूरा एक्सप्लोर करना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कितना मज़ा आता है। उससे पहले यहाँ पर पार्किंग लगा के जान लेते हैं कि उसके प्राइस क्या है एंड कितने में पड़ेगी वो कार, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी कार है एंड आई नो कि थोड़ा बहुत तो महंगा होगा ही। ओके, तो इस कार डीलर से मेरी बात होने के बाद मुझे ये पता चला है कि बहुत ज़्यादा महंगी बस वो है, बजट से कुछ ज़्यादा ही बाहर है। मतलब मैंने पूछा कि अगर मुझे EMI पर चाहिए तो कह रहे हैं कि मेरे पास स्टॉक देखो पूरा 0% स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ों में बस ट्रांसपोर्टेशन ही अलाउड नहीं है भाई। ट्रांसपोर्ट कुछ चीज़ें हो ही नहीं रहे हैं, फ्यूल उसका डूब गया, अब ये गाड़ी इसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि हम इनको इम्पोर्ट करा सकते हैं, बट थोड़ा बहुत ज़्यादा उसके चार्ज लगेंगे, वरना बस इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। अभी मुझे भूख लगी है, मैं जाऊँगा पिज्जा शॉप पर। चलो मोड़ो भाई, मेरे पास पैसे तो वैसे 11 April पड़े हैं भाई, कितनी गरीबी आ चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन पूरा यहाँ पर रोड पर है ना एक कटोरी लेकर आना पड़ेगा। लेट्स गो, पुलिस स्टेशन पर आ चुके हैं। मुझे वैसे पिज्जा खाने जाना था, वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, वो मैं बाद में जा सकता हूँ, लेकिन पुलिस स्टेशन में मुझे मेरी साइन करनी पड़ेगी कि मैं आज आ चुका हूँ। अरे मेरा रूम कौन सा था, चलो ये रहा हमारा रूम, यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत साइन करके इसका ख़त्म कर देता हूँ। गाइज मेरी अभी यहाँ से साइन बन हो चुकी है एंड आज की जो एंट्री थी वो मेरी हो चुकी है। मतलब अब मुझे कोई टेंशन नहीं है मैं अगर यहाँ पर रहूँ या ना रहूँ, क्योंकि नहीं रहूँगा तो भी कुछ चलेगा और रहूँगा तो भी चलेगा। और भाई क्या घटिया कार देते हैं ना, इसकी स्पीड क्या होगी 12? नहीं हंसना चाहिए भाई, पुलिस की गाड़ी अगर किसी ने सुन लिया ना पीछे पड़ जाएगी। लेट्स गो, अब घर चलते हैं एंड नेक्स्ट डे देखते हैं कि कितना ज़्यादा ड्रग का सप्लाई हो पाती है एंड कितने पैसे कमा पाए थे। ज़्यादा अगर पैसे आ गए और अगर ड्रग का फार्म चल पड़ा, ऐसा बंगला बनाऊंगा ना भाई, ख़त्म टाटा भाई भाई। आज का वीडियो भी मैं यहाँ पर ही एंड करने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर ड्रग की बड़ी सप्लाई होगी, थोड़ी इस बार थोड़ी कम थी, 64 या 68 इतना ही किया था, बट अब जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा एंड बड़ी सप्लाई मतलब बड़ा रिस्क एंड बड़ा पैसा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतने, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ज़रूर से लाइक एंड सब्सक्राइब बटन दबा देता एंड गुड बाय।